अरे अंकल की गाड़ी फंस गई यहाँ पे। ये बजी उछाल दो ना। भाई उछलती नहीं है गाड़ी। तो तेज चलती है। ठीक है तो आ चुके हैं मिस्टर ब्राउन्स कैफे, राहुल भाई के कैफे आए, कैफे आए हैं राहुल भाई के कैफे, मिस्टर ब्राउन्स कैफे। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएसआर व्लॉग्स। जय बजरंगबली, जय शिव शंकर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो आज अभी अपन जाने वाले हैं सी स्कीम, और मुझे बहुत ज़ोरदार की भूख लग रही थी। सी स्कीम में हम खाने वाले हैं बिरयानी। मुझे वहाँ एक हम लोग खाते थे सारे, मैं अभिषेक अजय अगर हम सब वहीं बिरयानी खाते थे। तो बस आज मूड किया कि चलो भाई लंच वहीं करेंगे, तो फिर बिरयानी खाने जा रहे हैं वहाँ पे। जब बिरयानी की बहुत दिन से मेरे क्रेविंग हो रही थी बिरयानी खानी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज जैसे तैसे करके वहाँ पे बिरयानी खाने का टाइम मिला है, और बिरयानी खाने के बाद में, लंच करने के बाद में वहाँ से फिर देखते हैं कहाँ जाना होगा। अभी नॉट डिसाइडेड कि कहीं और जाना है, बट उसके बाद ही डिसाइड करेंगे वहाँ से कहाँ जाएंगे। अभी मेरे एक दो व्लॉग की एडिटिंग भी बाकी है, तो सोच रहा हूँ कहीं शांति वाली जगह जाकर के एडिटिंग करूँगा। ये दिख रहे हैं आपको, ये गीता देते हैं, मैंने भगवत गीता, मैंने एक बार जगतपुरा के साइड में भी इनको देखा था। मतलब इनको नहीं, इन द सेंस मतलब कोई दूसरे लोग थे, लेकिन काम यही था मतलब कि गीता बांटना, अवेयर करना भगवत गीता के बारे में। और इनकी एक गीता की कॉस्ट जहाँ तक कि मैंने उस टाइम पे पता करी थी 147 रुपये थी या 247 रुपये थी, ऐसी कुछ थी। आज 1 मार्च, तो आज थोड़ा सा मौसम बदला है, और कल रात को मैंने वेदर भी चेक किया था तो बारिश बता रहे थे, दिल्ली में कल बारिश हुई है ऐसा अभी रिपोर्ट में मैंने देखा था। और आज जो है थोड़ा सा ठंडा है, देखते हैं अभी कितनी गर्मी पड़ेगी इस बार जयपुर में। वैसे तो बहुत ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं, बट लेट्स सी। अरे अंकल की गाड़ी फंस गई यहाँ पे। ठीक है तो अपन सी स्कीम जो है अपन वहाँ से 22 कदम होते हुए नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे यहाँ सिविल लाइन होते हुए। सिविल लाइन में मुझे एक छोटा सा काम है, तो वो करता हुआ फिर मैं सीधा निकलूँगा सी स्कीम के लिए। क्या नाम है आपका? हाँ, रियान। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, देखते हो क्या राइडिंग देखते हो आप लोग? अच्छा, यूट्यूब पे। वेरी गुड, ओके बाय। भाई उछलती नहीं है गाड़ी, तो तेज चलती है। हाँ बहुत तेज चलती है। जगह दे दो भाई, तीनों ऑटो चल रहे हैं रोड को घेर कर, थोड़ी सी जगह दे दो मुझे। वेरी गुड। ठीक है तो सिविल लाइन का काम करके अभी आ चुके हैं 22 गौतम पुलिया पे, यहाँ से सीधा लेफ्ट लेकर सी स्कीम निकलेंगे अपन लोग, लंच करेंगे। लंच करने के बाद का प्लान फिर देखते हैं क्या होता है, बता देंगे आपको। द ग्रिल हाउस, बड़ी शानदार बिरयानी है यार। चलो पेट भर के खाना ना खा के फिर बात करते हैं, बाय। बहुत टाइम बाद मैंने खाई आज बिरयानी, मज़ा आ गया, वही टेस्ट। चलो सो अभी फाइनली डिसाइडेड ये हुआ है कि अपन चल रहे हैं वैशाली नगर राहुल भाई के कैफ़े, चित्रकूट राहुल भाई के कैफ़े पे, और वहाँ मेरी बात हो गई अभी बनवारी भाई से भी, तो बनवारी भाई भी वहीं हैं अभी। तो सोडाला आ चुके हैं, यहाँ से सीधा निकलेंगे चित्रकूट के लिए। पहले मेरे को फ्यूल अप करवाना है क्योंकि फ्यूल इंडिकेशन आ चुका है। अच्छा, इस गाड़ी का माइलेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। माइलेज में मुझे कोई इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, और जिनको पता है वैसे उनको पता ही है जो चला रहे हैं, जो इसका माइलेज निकाल रहे हैं, और बट जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। इसका माइलेज जो मैंने निकाला है अभी तक, वो हाईवे पे निकलता है अराउंड 50 से 55 के आसपास, और जो लोकल कन्वेंस में मतलब जैसे मन गली कूचों में से चलाते हैं, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, इसमें इसका माइलेज निकलता है अराउंड 40, 42, 45, मतलब 40, कभी 40 निकाल देती है, कभी 42 निकाल देती है, कभी 45 भी निकाल देती है, बट हाईवे पे, हाँ हाईवे पे ये 50 अबव ही निकालती है। और आप जैसे कि जानते हैं पावर के मामले में भी ठीक ही है, अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बस इसमें एक ही दिक्कत है, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो लॉन्ग ड्राइव पे बस मेरे पैर में हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ा सा पेन रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी नहीं। फ्यूल अप, फ्यूल अप, फ्यूल अप, फ्यूल अप,
वो भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, भैया बुला रहे हैं, यहाँ चलते हैं। नागौर डिपो, ठीक है। तो आ चुके हैं मिस्टर ब्राउन्स कैफ़े, राहुल भाई के कैफ़े आए हैं, राहुल भाई के कैफ़े, मिस्टर ब्राउन्स कैफ़े। अभी मिलते हैं बनवारी भैया से अंदर। अब जाएंगे ठिया और फिर ठिया में बैठकर करूंगा मैं एडिटिंग, और मेरा थोड़ा बहुत काम है वो,